चलिए अब हम इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ते हैं। माना हमारे पास एक फंक्शन fx है, इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें एक फंक्शन gx प्राप्त होता है। यदि हमें gx से फंक्शन fx प्राप्त करना है तो इस फंक्शन fx को gx का एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। इसको फाइंड करने के प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन को हम d/dx से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेशन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी फंक्शन fx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर gx मिलता है। यदि किसी फंक्शन fx का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन gx है तो इस gx का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन fx होगा। अब आप 2 मिनट का टाइम लीजिए और यहां पे जो फंक्शंस दिए हैं उनका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करिए, यानी d/dx निकालिए। तो 2 मिनट का समय लीजिए और इसको जल्दी से निकालिए। यहां पर आप देखेंगे कि सारे फंक्शंस x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 होता है, तो हमें राइट हैंड साइड में सारे डिफरेंशिएशंस 2x के बराबर मिलते हैं। यदि मैं आपसे 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने को बोलूं तो इनमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे इन तीनों में से? आपको तीनों ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x आ रहा है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। इसलिए जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स को लिखा है विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस सी। सपोज हम सेकेंड फंक्शन में f ऑफ 0 डाले तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -100। तो इस केस में c की जो वैल्यू होगी वो -100 के इक्वल होगी, तो हमारे पास फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 100 आ जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के यहां पर इंटीग्रेशन दिए गए हैं, इनको आपको याद रखना है। इन सारे फंक्शंस के इंटीग्रेशन आप अपनी नोटबुक में लिख भी लीजिए। चलिए अब हम इंटीग्रेशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं। इसके लिए हम एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसका कर्व कुछ इस प्रकार से है और हमें x एक्सिस और इस कर्व के बीच का एरिया x नॉट से xn के बीच में निकालना है। इसके लिए हम ओरिजिन से x डिस्टेंस पर डेल्टा x विड्थ का एक पोर्शन लेते हैं। इसे हम एक रेक्टेंगल की शेप में मान लेते हैं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हम लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ हो गई डेल्टा एक्स और लेंथ हो गई एफ एक्स के बराबर। इस प्रकार से यदि हम एरिया को एन स्ट्रिप में डिवाइड कर दें एंड इन सभी एरिया का सम कर दें तो यह लगभग कर्व के नीचे के एरिया के इक्वल होगा या एरिया अंडर द कर्व के इक्वल होगा। अब यहां पे जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको हम अच्छे से समझते हैं। अगर हमारे पास n स्ट्रिप्स हैं तो अगर हम कोई ith स्ट्रिप देखें तो उसका एरिया हम लिखेंगे f ऑफ xi इंटू डेल्टा x। f ऑफ xi इसकी लेंथ हो जाएगी और डेल्टा x इसकी ब्रेथ हो जाएगी, उस रेक्टेंगल की ब्रेथ हो जाएगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके उस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अब सपोज हमारे पास
एन स्ट्रिप्स हैं, तो एन स्ट्रिप्स का सम करेंगे हम सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स एंड आई विल वेरी फ्रॉम 1 to n. अब यदि हम इन स्ट्रिप्स की विथ डेल्टा एक्स को जीरो की तरफ टेंड करते हैं तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इनफाइनाइट हो जाएंगी. तो इस केस में हम समेशन को इंटीग्रेशन से शो करते हैं. इसको हम लिखेंगे एरिया ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स एन. इसे हम फंक्शन एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कहते हैं. अब यदि एफ एक्स को डी एक्स के साथ इंटीग्रेट करने पर प्राप्त होने वाले फंक्शन को हम जी एक्स नाम दे दें, इसमें जब हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स को पुट करेंगे तो हमें इस कर्व के नीचे का एरिया मिल जाएगा. इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जी ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ एक्स नॉट.